नो सर। हाँ सर, आप प्रोजेक्ट का बताने वाले थे। हाँ, प्रोजेक्ट का ऐसा पूछा था इसने कि प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम ये करता हूँ, मैं आपके वो शीट खोलता हूँ, असाइनमेंट जो सीबीएसई ने दिया है। जस्ट अ मिनट। सीबीएसई ने जो सिलेबस रिलीज किया है आपका, उस सिलेबस में सीबीएसई ने बताया है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ये मम्मी का पूछ रही थी प्रोजेक्ट का, तो मैंने कहा कि वो हम 7 बजे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये सीबीएसई का सिलेबस है और सीबीएसई इसमें क्या कह रही है, ये आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट टर्म का कोर्स। और इसके अंदर आपको ये सब चीजें हैं, इसी के बाद में आपको दिया हुआ है ये सेकेंड टर्म का बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर्स फॉर अकाउंटिंग और प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यहाँ पे 10 मार्क्स का पार्ट टू दिया हुआ, और पार्ट वन के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपको फर्स्ट टर्म में है और 10 मार्क का प्रोजेक्ट आपका सेकेंड टर्म। अब आपको इसमें क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टर्म वन एंड टर्म टू, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट विल बी कवर्ड एज डिटेल बिलो। कैसे असेसमेंट कैसा हुआ प्रोजेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ एनी सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस लेना है और उसके अंदर आपको कुछ ट्रांजेक्शन बनाने, और उन ट्रांजेक्शन की आपको जनरल एंट्रीज करनी, फिर लेजर पोस्टिंग करनी, और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, मतलब आपको उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज को आपको पाई चार्ट और बाय डायग्राम से भी दिखाना है, ये प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको पहले कुछ ट्रांजेक्शन को एज्यूम करना है, और फर्स्ट टर्म में आपको उसके लेजर जनरल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग और अकाउंट्स को बैलेंस तक करना, सिर्फ बैलेंस तक करना। अब ये कैसे होगा, इसको समझाने के लिए जस्ट मिनट, मेरे पास कुछ एक, मैं एक एक्सरसाइज क्लास में करवाता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मिनट, मुझे वो खोलना पड़ेगा, वो शीट पहले कभी की होगी, उसका इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं उसको पॉज करता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूं वो आपको करना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये 1 मार्च 2015, आप ऐसे अपनी डेट ले लोगे, आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये ट्रांजेक्शन्स थे। क्या ट्रांजेक्शन थे, इतने ट्रांजेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा लेने पड़ेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, आपको इसके अंदर एसेट्स भी खरीदनी है, आपको पुरानी एसेट्स को परचेज करना है और सेल भी करना है, आपको गुड्स खरीदने, गुड्स तो है इसमें, चलो गुड्स गुड्स खरीदने बेचने हैं वो तो है ही है, फिर आपको कैश में भी खरीदना है, क्रेडिट में भी खरीदना है, फिर आपको इसके अंदर एक्सपेंसेस भी आने चाहिए, आप इसके अंदर लोन भी लो और लोन पे भी करो, तो ये ऐसे सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आने चाहिए। तो आइडियली देखा जाए तो वो भी मैं बताता हूँ, मैं स्कूल में कैसे कराता था, तो ये ऐसे आप ट्रांजेक्शन्स को एज्यूम करो, ट्रांजेक्शन्स को एज्यूम करने के बाद आप इन ट्रांजेक्शन्स को इनकी जनरल एंट्री बनाओगे, जनरल एंट्री बनाने के बाद इनको आप लेजर में पोस्टिंग करोगे, और लेजर में पोस्ट करके इनके आपको बैलेंस निकालने, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, बैलेंस निकालना। तो जो अभी हमने सिलेबस देखा सीबीएसई का, सीबीएसई का सिलेबस सिर्फ लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग तक है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो यही प्रोजेक्ट पूरा साल आपको काम आता है। तो पहले आपको कुछ ट्रांजेक्शन लेने हैं, अब वो ट्रांजेक्शन कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो आपके स्कूल में बताएंगे वो आप,
नहीं है तो आप उनसे पूछ लो, आप बना लो, फिर वो कहें कि नहीं इसके अंदर तो आपने ये नहीं डाला, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लगाया। आप पहले पूछ लो भैया कैसे ट्रांजेक्शन देना, तो उन ट्रांजेक्शन को आप पहले लिस्ट डाउन कर लो, बना लो, साल भर में स्प्रेड आउट कर दो, या 3 महीने में स्प्रेड आउट कर दो, या 6 महीने स्प्रेड आउट कर दो। जैसे क्या होता था, मैं अपने स्कूल में जब था, आई यूज टू टेल देम कि मेरे को 5 ट्रांजेक्शन चाहिए। मैं आपको अपने स्कूल का एग्जांपल दे, तो व्हाट वी यूज टू डू इज वी यूज टू टेल देम कि आपको 5 ट्रांजेक्शन चाहिए परचेजेस के, जिसके अंदर आप 3 ट्रांजेक्शन कैश परचेज के ले सकते हो और बाकी के आप 2-3 ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट के ले। वो थोड़ा बहुत रफ प्लस माइनस 5 ट्रांजेक्शन आप सेल्स के लो, फिर ये परचेज सेल्स हो गए, फिर जो जिनको क्रेडिट बेचा है या क्रेडिट खरीदा है उनको पेमेंट का रखना पड़ेगा आपको ट्रांजेक्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। अब जब पेमेंट आप ले रहे हो तो इसके अंदर कैश डिस्काउंट के भी ट्रांजेक्शन, आपको 2-3 ट्रांजेक्शन कैश डिस्काउंट लेने, क्रेडिट वाले में या कैश वाले में इसके अंदर 2-3 ट्रांजेक्शन ट्रेड डिस्काउंट के ले लो। फिर ये तो हो गया परचेज सेल्स का, फिर ये इसके अंदर 2 ट्रांजेक्शन कम से कम परचेज रिटर्न्स के ले लो, 2 ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न्स के ले लो। ये हो गया, ये तो हो गया गुड्स का, फिर इसके अंदर 5 ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस के ले लो, 4 से 5 ऐसे कुछ देते थे, ठीक है, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये। फिर बोरो कर, 1 ट्रांजेक्शन लोन बोरो करने का होगा, फिर बोरो करके रिपेमेंट का होगा 1 ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद में कैश के भी हो गया, एक्सपेंसेस के हो गए, बोरो के हो गए, रिपेमेंट के हो गए। तो ये मोटे तौर पे ऐसे करके और भी कुछ रहता था उसमें, कुछ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट तो अभी आपको बोले नहीं है, एडजस्टमेंट पे आप आएंगे तो अभी ऑनलाइन चल रहा है तो शायद एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे करके करीब करीब 5-10 पेमेंट के ट्रांजेक्शंस करीब करीब 4 के हो गए, तो कितने 14, और ये करीब करीब 19-20 मान लो 25, तो करीब करीब 30 से ट्रांजेक्शन के आसपास हो जाएंगे। तो ये 30 ट्रांजेक्शंस ऐसे आप बना सकते, और उनको आप अलग अलग डेट, ये परचेजेस सारे एक साथ नहीं दिखानी, अगर आप 1 साल का टाइम पीरियड ले रहे हो तो इनको स्प्रेड कर दो अलग अलग डेट्स पे, इनको स्प्रेड कर दो। तो बेस्ट तरीका इसका क्या होगा, आप पहले पूछ लो कि ऐसा क्या कुछ देते हैं, कुछ स्कूलों में ऐसे गाइडलाइंस देते हैं कि इतने ट्रांजेक्शन ही लेने थे, वो पूछ लो आप, नहीं है तो ऐसे आप बना सकते हो। तो आप उसमें क्या करो, पहले परचेजेस के ट्रांजेक्शन एक साथ लिख लो, सेल्स के एक साथ लिख लो, फिर उसमें डेट डाल देना अलग अलग डेट से, गैप से, और फिर आप उसको फेयर करो, और फिर आप उसको जनरल एंट्री बनाओ, लेजर पोस्टिंग करो, और लेजर के अंदर सिर्फ बैलेंस तक निकालना, इसके आगे नहीं करना। तो इतना आपके पास फर्स्ट टर्म का काम, इसके आगे इसका फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको 12th में भी काम आता है, 12th में भी ये बनता है, यही सेम प्रोजेक्ट एज इट इज आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो 12th की गाइडलाइन चेंज हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझे इस बार का 12th का देखा नहीं, लेकिन ये ऐसा बनता है। तो इसलिए मैं उसमें लोन लेना और लोन का रिपेमेंट जरूरी है। तो ये ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस आप बना के प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। आपके स्कूलों में क्या कहा है वो आप बताएं, तो मैं आपको कुछ आगे और बता सकता हूँ, कुछ बोला हो तो। हाँ मीका बोलो, तुम प्रोजेक्ट के बारे में क्या पूछना चाह रही थी, और क्या बताया तुम लोगों को स्कूल में, प्रोजेक्ट स्कूल में बस और कुछ नहीं बताया। आप उनसे पूछ लो कि हम अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन ले लें, क्या बताएंगे कि आपको कितने क्या ट्रांजेक्शन लेने, इतना तो पूछ लेना हमसे क्लियरली, क्योंकि ऐसा होता है वो टीचर्स बाद में बोलते हैं कि इतने ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं करना था वैसे करना था, तो बना बनाया प्रोजेक्ट हमारा बेकार हो जाता है, इतनी मेहनत भी नहीं। तो आप स्कूल में पूछ लीजिए कि मैम जो प्रोजेक्ट बनाने को अगर बोला है तो पहले पूछ लो, नहीं भी बोला तो आप पूछ सकते हो सर प्रोजेक्ट वगैरह मैडम कब बनाना है, वो पता चलता है देते हैं कि बोला परसों सबमिट कर दो, 4 दिन में सबमिट कर, ऐसा भी होता है ना, वो टाइम भी नहीं देते कई बार, तो आप उनसे पूछ लो ये क्या करना, और वो कहें कि बनाना है तो उनसे बोले ट्रांजेक्शन हम अपने हिसाब से ले लें, जो CBSE की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से बनाना है कि और उसमें कुछ चेंज करना, कुछ स्कूल अपने अपने हिसाब से चेंज भी कर देते, वो भी आप पूछ लीजिए उनसे कि कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, कि CBSE की टर्म 1 में बोला है जर्नल, लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग,
बस ये तीन चीज बोली। फिर सेकेंड टर्म में इसी प्रोजेक्ट में आगे फाइनल अकाउंट्स भी बनेंगे, तो उनसे पूछ लीजिए इतना पूरा बना के देना है सेकेंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का एक साथ देना है कि फर्स्ट टर्म का अलग देना है सेकेंड टर्म का अलग देना है। तो जैसे कल ही मेरे पास एक चेन्नई से एक सर का फोन आया, वो मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो प्रोजेक्ट का पूछ रहे थे, वो बेसिकली 12 का पूछ रहे थे बेसिकली। तो मैंने उनको यही कहा कि सेम प्रोजेक्ट, वो 12 का जो प्रोजेक्ट है वो 25-30 पेज का प्रोजेक्ट है। अब 12th में तो एक्सटर्नल भी आता है, सेकेंड टर्म में एक्सटर्नल आ सकता है, दूसरे स्कूल से एग्जामिनर आ सकता है, तो उस एक्सटर्नल आएगा तो उसको प्रॉपरली देना पड़ेगा। तो बच्चे को हम 12th में क्या करते हैं, स्पाइरल बाइंड वगैरह करा के प्रॉपरली उसको रखते हैं, कहीं भी सीबीएसई में देना पड़े या स्कूल में रिकॉर्ड रहना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड का मामला है। 11th में तो इतना नहीं हो, 11th में भी कराते हैं लेकिन अभी लॉकडाउन में होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन 12th में तो हम अभी भी इंसिस्ट करेंगे कि प्रॉपर। तो सेम प्रोजेक्ट है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप बच्चों को बताओ इतना बनाना है, और बच्चों को आप स्कूल जब बुलाओगे प्रोजेक्ट के लिए, वाइवा के लिए, प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, तो बैचेस में बुलाएंगे वो, तो आप वहीं बुलाओ, वहीं चेक कर लो, मार्क्स दे दो और उनको प्रोजेक्ट वापस कर दो वहीं का वहीं, और उसी प्रोजेक्ट को बच्चे सेकेंड टर्म का बना के बाद में फाइनल प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंडिंग करके बाद में दे देंगे, सो दैट आपको रखना नहीं पड़ेगा स्कूल में, कहीं खो जाए, इधर उधर हो जाए, और वो बच्चे को कंटिन्यू करना, दैट इज व्हाट आई सजेस्टेड है। आई डोंट नो व्हाट योर स्कूल्स वुड डू, तो आप उनसे क्लियर कर लो कि ये एक साथ देना है, हो सकता है कुछ स्कूल के एक साथ दे देना, एक साथ तो मुझे नहीं लगता वो मांगेंगे, अलग अलग ही मांगेंगे, क्योंकि स्कूल को मार्क्स सीबीएसई को भेजने पड़ेंगे प्रोजेक्ट के, तो दे हैव टू गिव मार्क्स टू सीबीएसई को नहीं, सारे इंटरनली है, बट देन 11th में तो इंटरनल है, सीबीएसई को नहीं जाएगा, 12th में जाएगा, बट देन स्टिल दे में आस्क, और हो सकता है स्कूल कुछ कहते नहीं एक साथ दे दे, सारा एक साथ ही दे दो, अभी हम दे देंगे मार्क्स सेकंड टर्म की भी दे देंगे, फर्स्ट टर्म की भी दे देंगे। तो आप उनसे पूछ लो कितना बनाना है, और ट्रांजेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कि वो कुछ बताएंगे इतने इतने ट्रांजेक्शन लेने, इतने परचेस के लेने, इतने सेल्स के लेने, वो क्लियर ले लो उनसे, और फिर कितना बनाना वो पूछ लीजिए, फिर आप बनाएंगे, और फिर कोई दिक्कत आए तो मैं बता दूंगा उसको। थैंक यू सर, कैन वी लीव नाउ? यस यू मे लीव, एनीथिंग थैंक यू सर। सुबह क्लास है क्या? सुबह नहीं, अभी मैंने उसको आफ्टरनून कर दिया क्लास को, ठीक है, आफ्टरनून में रखा है उसको, हम 2:30 या 3:00 जब मैं टाइम डालता हूँ ना, उस समय में ले रहा हूँ उस क्लास को, सुबह क्लास ले रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ इकोनॉमिक्स के हैं बच्चे 11 के, तो वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो पहले से बात थी, ठीक है, दैट इज इट, थैंक यू सर, ओके।